क्रिस्पी, टेस्टी और बिल्कुल आसानी से बन जाए ऐसे पोटैटो वेजेस। शाम के नाश्ते के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है और बच्चों को तो ये पसंद आएंगे ही, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इधर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और साथ ही चिली फ्लेक्स, ओरेगानो लिया है, आप मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं, और 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। साथ ही इधर मैंने हरा वाला लहसुन लिया है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यूजुअल लहसुन भी ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम आलू के वेजेस कट कर लेंगे। इसमें कट करते वक्त शेप का ध्यान रखना जरूरी है, तो सबसे पहले इसे आधा कट कर ले और फिर इस तरह से सीधा नहीं बल्कि इस तरह से एंगल पर कट करना है, जिससे इसका ऐसा परफेक्ट और मोटा सा शेप रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे वेजेस को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट शेप में कट हुए हैं। तो अब एक बर्तन में पानी डालें और थोड़ा सा नमक, और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब सारे पोटैटो वेजेस को इसमें डाल दें। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, बस 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे तो भी बहुत है। इस रेसिपी में हमें कोई ज्यादा मेहनत वाला या देर लगे ऐसा काम ही नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जिसे आप जब मन करे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जब तक ये पकते हैं हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इधर एक बाउल में 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून जितना मैदा डाला है। अगर आप ज्यादा मात्रा में आलू ले रहे हैं तो उस हिसाब से मैदे या कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी भी बढ़ा दें। तो अब इसमें डालें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ओरेगानो, फिर चिली फ्लेक्स। अब इसमें डालें थोड़ा सा पानी और अच्छे से मिक्स करके बैटर रेडी करें। अब हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली थी उसे कूट कर डालना है, और इधर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप हरा धनिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले और अब ये बैटर रेडी है। कंसिस्टेंसी को जरूरत मुताबिक आप मैदा या पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम थिक भी ना रखे कि सिर्फ इसी का टेस्ट आए, और इतना रनी भी ना रखे कि वेजेस में कोट ही ना हो। तो अब एक एक करके वेजेस को लेकर इस बैटर में अच्छे से कोट होने दे। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ये वेजेस इसमें बिल्कुल अच्छे से कोट हो रहे हैं। तो अब इसे गर्म तेल में डालें और तल लें। तो इसी तरह से मैंने दूसरी बैच भी फ्राई कर ली है। अब इन वेजेस को आप केचप के साथ या फिर मेयोनीज डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेयोनीज डिप के लिए इधर मैंने मेयोनीज लिया है, इसमें डाले थोड़ा सा केचप, ओरेगानो और चिली फ्लेक्स, और बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले तो ये मेयोनीज डिप भी रेडी है। तो इन पोटैटो वेजेस को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।